बारिश ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। मैं नमाज पढ़ के जाए नमाज के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ, और ये अभी इन्होंने नमाज पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी है, और अब ये मेकअप कर रही है। बाहर पहले बारिश हुई थी, फिर रुक गई थी, फिर दोबारा बारिश हो रही है। अब हम परेशान है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से लास्ट टाइम भी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग बाहर जाना था हम लोगों ने, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, बस रात बहुत टाइट है बाहर के, और हमने सोचा कि घर पे हम बना लें चिकन बिरयानी। और मैंने छाता ले लिया, बाप से लेने जा रहा हूँ मसाले वगैरह, घी वगैरह, क्योंकि हम लोग घर पे कुछ भी नहीं बना रहे थे, बाप से खाते थे या भाई के घर से खाते थे। तो आज हम लोग घर पे बना रहे हैं चिकन बिरयानी, और मैं अपनी वाइफ की हेल्प करने वाला हूँ। हाँ यास्मीन, क्या क्या लाना है जल्दी बोलो, बोलो किसको बोल रहा हूँ, बोलो। अच्छा बताओ, बताओ ना, तुम बताओ। लहसुन रखा हुआ है, अदरक भी है ना, और घी है ना, और टमाटर भी रखे, टमाटर भी लेना, प्याज भी है, प्याज भी लाने, और क्या था, धनिया जरूर लाना, और दही, दही लानी है, चिकन, दही, दही लानी है, चिकन, चिकन ले आना, और क्या था, और क्या था, एक मिनट तुम भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, उठ जाओ, छाता करके खड़ी हो जाओ, गर्मी हो, बारिश आ रही है, खैर है, कुछ नहीं होता, चलो मैं ले आऊंगा सब कुछ। अब मेरी बात सुन ली? हाँ बोलो, यही वाला क्लिप बाद में सुन लेना, वाला के बाद जाके सुन लेना कि क्या क्या बोला। ओके, गुड बाय, जाओ। ओए 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 ओए, बाहर तो पानी पानी है भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, और बारिश के बीच में जाऊंगा मैं सब कुछ। रानी को क्या हो गया, सारी पानी पानी हो गई मेरी रानी। हाँ पानी पानी के बीच में जा रहा हूँ भाई, चेक। इतनी मुश्किल से बाहर से चीजें लेके आया हूँ ना, मुझे पता है इतना पानी था, लेकिन फाइनली चीजें लेके आ गया हूँ, और अब हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। और ये मसाले काट रही हैं जानम जी, मसाले कट गए हैं, और उसके बाद अदरक, हाँ मसाले कट गए हैं, अदरक ये कर रही हैं, इसके बाद मैंने क्या करना है, मेरा कोई काम बताओ। आपका काम है ना ये रहा, ये अदरक लहसुन पीसेगा कौन, आपका काम। मैं पीसता हूँ मेरी जान, और हुक्म करो। मसालों की बात करें तो प्याज डाल दिए हैं, इसके बाद मेरे घर में टमाटर डालेगी, और क्या डालोगी जानम जी? लहसुन अदरक, जल्दी बनो, बारिश की वजह से आ रही है अंदर मक्खियाँ। असल में यहाँ से बारिश का पानी आता है ना, इसलिए मक्खियाँ घर। ये हमारा चूल्हा है जी, ये वाला, ये लाइट पे चलता है, बिजली पे, ये हमने दुबई से लिया था, और अभी फिलहाल इसको हमने बंद किया होगा, क्योंकि हमारे घर में गैस का कोई मसला नहीं है, गैस आता रहता है हर वक्त, वरना हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये है टच सिस्टम पूरा, जैसे मोबाइल होता है टच मोबाइल। हाँ जाना, जल्दी मेरा प्यारा भाभी, क्या पीस रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? मसाले पीस रहा हूँ, और साथ का टमाटर भी खा रहा हूँ। वाह वाह, पहले मैंने कम काटे, ऊपर से खाते रहो। अब मैंने इसके अंदर अदरक डाली है, पर मेरे भाभी ने इतनी जल्दी जल्दी पीस के दी है कि मोटी मोटी रह गई है। जाना जल्दी करो, एक अदरक लहसुन तुमसे पीसा नहीं जा रहा यार। आओ जी, आओ, 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 आओ। ये क्या है, अब ये क्या है, मेरा अपना तरीका है। ये राइस भिगो के रखे हुए हैं, ये हमारे इतने अच्छे राइस हैं ना, अगर आप लोग कभी ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त राइस हैं, और ख़ास तौर पे ये हरी मिर्चें मुझे बहुत पसंद हैं, हरी मिर्चें मैं ज़्यादा डलवाता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा राइस पसंद है, इसलिए मैं, हमारे घर में सिर्फ राइस है, आटा वाटा हर चीज़ हम नहीं रखते, हम सिर्फ राइस रखते हैं, कभी भी हमारा दिल हो बनाने का तो सिर्फ हम राइस बनाते हैं। फिर मैं अपने जानम के लिए आम लाया हूँ, और मैं जब भी आम लाता हूँ ना, तो आम ख़राब होते हैं, या तो मीठे नहीं होते, या कोई ना कोई मसला होता है, आज देखते हैं मीठे हैं या कैसे हैं, अल्लाह खैर करे। साथ साथ कचरा रखने का मेरा काम है, और मैं बाहर इसको कचरे को रखते हूँ हाथ के हाथ। चावल जो है, चिकन भी डाल दिए हैं, और मसाला वसाला सब डाल दिए, थोड़ी देर तक मैडम चावल डालेंगी, और हम लोग लाइव आने की भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर तक लाइव आएंगे, क्योंकि बोरिंग है यार, आज कहीं बाहर ही नहीं गए, जब बाहर जाते तो फिर बहुत सारा इन्जॉय करते हैं, और आज हम इंस्टा पे आएंगे, नहीं यार जानम, आज यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आकर फिर लोगों को बताएंगे कि हम कल से इंस्टा पे आएंगे, ठीक है? अभी यूट्यूब, चलो इंस्टा पे आएंगे कल से। जानम ये देखो, यहाँ पर तो बहुत पानी जमा हो गया यार, ये देखो पानी कितना जमा हो गया, ये हमारी कौन सी जगह है जानम, इसको क्या बोलते हैं, गैलरी में इतना पानी जमा हो गया, अब ये पानी का काम मेरा है निकालना, मैं निकालता हूँ। कितनी ठंडी हवा आ रही है ना, मजा आ रहा है, बहुत ठंडी जानम, लेकिन ना अंदर मक्खन लग रहा, बुरा हाल
मक्खियाँ यहीं से आ रही है ना। हाँ, क्योंकि बाहर इतनी गंदगी है। चलो कोई चीज दो, मैं पानी बाहर फेंकू। मैंने आपको बोला था मैं पर लेकर आना था, भूल गया यार, बारिश जितनी है मैं अपनी चीजें लेके आया हूँ। ये देखें रात का माहौल है, यहीं से मैं सामने से लेकर आया हूँ सब चीजें। शुक्र है लाइट नहीं गई जाना माँ, शुक्र है आज लाइट नहीं गई। और अगर लाइट अल्लाह पाक अल्लाह करे लाइट ना जाएगा। चल लाइट चली, हाँ टॉर्च को चार्जिंग पे लगाओ, जहां तुम जाओ 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 जाओ। जानम जी ध्यान से, ये ना नीचे हो, उस दिन जो मैं पानी निकाल दी थी यहाँ से, कोई अंकल नीचे था। तो जी मेरे जानम जो है वो पानी निकाल रहे हैं और मैं जल्दी से राइस को दम पे रख के आती हूँ। लाइट का कोई भरोसा नहीं, आप लोगों को पता है बारिश हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई है और इतनी आंधी थी, इतनी हवा थी, फिर भी लाइट नहीं गई यहाँ पे। पता चले नीचे, पता चले हम मैं पानी फेंक रहा हूँ नीचे कोई नहा रहा हूं। तो वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, किसी को क्या पता। तो जी आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ गर्दने हैं, गर्दन जो होती मुर्गी, क्योंकि मेरे जानम को ना नहीं पसंद गोश्त वोश इतना या चिकन वगैरह, तो सिर्फ और सिर्फ ये खाते हैं। तो बस मैं यही बनाकर उनको देती हूँ, इसी में ही राइस डालूंगी, तो इसी से ये खुश हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी तो खुशियाँ हैं मेरे बच्चे की, है छोटा सा तो बच्चा है मेरा, काका है। तो मैंने पानी डाल दिया है और हरी मिर्च ऊपर से डाली है, और अब जब ये पानी उबलेगा तो मैं इसमें राइस डालूंगी। हाय अल्लाह, मैं कुर्बान में वारी जाऊँ मेरे काके से। मेरा काका मेरा इतना साथ देता है काम में। काके तेरा जैसा शोर किसी को भी ना ला दे, फिर मैनू ही दे। मैंने कपिल शर्मा की मूवी देखी, उसकी माँ कहती है ऐसा शोहर अल्लाह मतलब भगवान सबको देना, तो वो चार चार पांच पांच शादियां, पांचवी उसकी गर्लफ्रेंड होती, चार बीवियां पांचवी गर्लफ्रेंड। ओए हो, तो मैं ये दुआ नहीं मांगती कि मेरे जैसे मेरे काके जैसा किसी और कभी मिले, सिर्फ ये पीस मेरा है। हैं काकू अभी जानम जानम पानी उबल गया, उबल गए हैं, चावल जो है डाल दिए हैं जानम मेरी ने, और बस मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे इतनी जानम भूख लग रही है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हाथ के जो है ना राइस पसंद है, सिर्फ तुम्हारे हाथ के, और मुझे किसी के हाथ के राइस पसंद नहीं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में। जानम ये क्या है मेरे लिए? मुझे प्याज इतने पसंद है ना, बाकी जानम बताएंगे। नमक डाल के, नमक डाल के दूंगी। हाँ मेरे जानम को बहुत प्याज पसंद है, दिन हो रात हो, नहीं रात में नहीं खाते बट राइस के साथ जरूर खाते हैं। मुझे यार इसलिए थोड़े से काट दिया। तुम्हारे साथ सही हुआ है, तुम्हारे ऊपर मक्खियाँ इतनी आ रही है ना, तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ हैं? चूड़ियाँ चूड़ियाँ मैं तोड़ती हूँ। क्यों? मेरे राइस देख रहे हो? हाँ बन जाएंगे, बन जाएंगे राइस। तुमने चूड़ियाँ क्यों तोड़ी? आपने तोड़ी है, मैंने नहीं तोड़ी, आपने बैठ के नीचे पीछे हो गया। किसमें? और गिर जाऊंगा। अच्छा उतर रहा हूँ, गिर जाऊंगा। कुछ नहीं, एक मिनट छोड़ना। इधर आ जाओ, राइस पे आ जाओ। फुल्ला ते कंडे आंदा दस केहड़ा जोड़े नत सोना। लस्सी मेरे लिए नहीं बनाना, मैं सिर्फ राइस खाऊंगा बस। अच्छा मैं मांग भी लूंगा तो क्या हुआ? मैं दूंगी नहीं। अच्छा नहीं देना। मैं तो सोचवाल फुल मैं नहीं तोड़े। इन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था, रिंग लाइट इस कमरे में उठा के रख दी, और जो कि हमारा रूम खाली है बिल्कुल, इस रिंग लाइट को लेके जाऊं लाइव आने के लिए उस कमरे में। लस्सी भी बना रही है मेरी जानम जी, मैं अपने लिए बना रही है, बस अभी बता रही हूं। थोड़ी सी ज्यादा बना लो, हो सकता है, मुझे पहले हो सकता है कि मेरा भी दिल लस्सी का दिल कर ले, कोई कुछ पता नहीं है। और दही कम डालना, मैं खाता होता हूँ दही। जानम पानी सूख गया, और दही मेरे लिए बचा लेना, थोड़ी सी मैं खाऊंगा। क्या नहीं खाते हो? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खाता, बाकी सब कुछ खाता हूँ। अभी क्या खा रहे हो ये बताओ। ऊपर करना, एक मिनट ऊपर करना। हाँ, आपके वाले टमाटर आए हैं। हाँ यहाँ पे मार्केट में टमाटर
आपी आई मिस यू। चावल बन गए हैं और इनको जो है ना दम पे रखने के लिए तैयार है चावल। और लस्सी मैं बना रहा हूँ साथ साथ, लस्सी में थोड़ा सा रूह अफजा डालूंगा लस्सी में। हाँ तो रूह अफजा डलता होता है ना लस्सी में? नहीं पागल मैं नहीं हूँ, उसमें डलता होता है। खोलो डालो। अच्छा जी, फाइनली हमारी जो है ना बिरयानी बन गई है और भूख इतनी तेज लग रही है कि सबसे पहले मुझे खाना खाना है, सबसे पहले खाना खाना है, उसके बाद कुछ और करना है। मक्खियाँ भी पकाओ। पहले लेकर जाओ। क्या लेकर आऊँ? टिशू। हाँ हाँ हाँ, अच्छे बन गए हैं जाना, मज़ा आ गया ना। मुझे सिर्फ इनके हाथ की राइस पसंद है और किसी की भी राइस पसंद नहीं है। माशाल्लाह अच्छे बन गए हैं। गाइस लाइव आने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले चावल आ चुके हैं। मैं तो सबसे पहले चावल खाऊंगा, उसके बाद कुछ और करूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा कि हमने आज घर पे राइस बनाई, क्योंकि हमारे घर में जो है ना पानी था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने राइस घर पे बनाया, लस्सी वगैरह बनाई, जो भी बनाया हमने आपने देखा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।